नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लोर आवर कल्चर में। आप कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपका दिन उत्तम हो हम ऐसे कामना करते हैं। ये देख रहे हैं हमने बारिश से ये अपना छोटा सा गमला उठा लाया है और हम इसके साथ आ जाए के साथ आइसक्रीम को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये आइसक्रीम हमने बनाई है और उसके बाद इस वीडियो में आप बने रहिएगा और देखिएगा कि ये आइसक्रीम हमने कैसे बनाई है। तो ये हम आपके सामने ही खोल के आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी दिख रही है, आप भी बनाइए, आप भी खाइए, लोगों को भी खिलाइए। इसको निकाल के दिखाती हूँ। काफी अच्छी दिख रही है। आप इसको किसी टिफिन में या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में जमाइए तो ये आइसी हो जाएगी। हमने कल रात में इसको जमाया था और इसका वीडियो हमने बना लिया है और आप भी देखिए और बनाइए घर से आइसक्रीम। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही हमारी कस्टर्ड की वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम। आप भी घर पे ही बनाइए और बच्चों को भी खिलाइए और आप स्वस्थ भी रहिए। घर पे बनाइए, घर पे खाइए और स्वस्थ रहिए। तो अब हम लोग इसको खाने जा रहे हैं, नहीं तो ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी और हम लोग इसका टेस्ट नहीं ले पाएंगे। तो आप भी बनाइए, खाइए और स्वाद लीजिए। आपका दिन उत्तम हो। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका धन्यवाद। ये हमने आइसक्रीम के लिए 300 ग्राम दूध ले लिया है और ये थोड़ा सा दूध है जिसमें हम ये 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिला देंगे। इसको चम्मच से फेंट लेंगे और ये चीनी है। ये हमने कस्टर्ड पाउडर को थोड़े से दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को घोल लिया अच्छे से और ये इसमें अच्छे से घुल गया है। और ये 300 ग्राम जो दूध है उसको हम थोड़ा सा गर्म करके इसमें अपना कस्टर्ड पाउडर का घोल मिला देंगे। ये दूध हल्का सा गुनगुना है। अब हम इसमें अपना कस्टर्ड पाउडर घोल मिलाएंगे। उससे पहले ये हम इसमें शुगर डाल देते हैं और ये कस्टर्ड पाउडर का घोल इसको ऐसे चलाएंगे। आप 2 से 3 मिनट में देखेंगे कस्टर्ड पाउडर की वजह से ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा। जब आपको लगे कि ये गाढ़ा हो रहा है तो आपको गैस या इंडक्शन आपको बंद कर देना है और इसको अच्छे से फेंट के जमा देना है। अभी दिखाते हैं। अब ये देखिए 5 से 7 मिनट के अंदर ये इतना गाढ़ा हो चुका है। तो आपको बस इतना ही गाढ़ा करना है और उसके बाद इसको ऑफ कर देना है और इसको 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है ऐसे ही। फिर उसके बाद इसको निकाल के इसमें ताजी मलाई दूध की डाल के इसको फेंट देना है फ्रीजर से निकाल के। ये देखिए हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और 1 घंटे के बाद ये कुछ इस तरह है। हम इसकी मदद से इसको फेंट लेंगे। ये थोड़ा सा ये देखिए
इससे क्या है, जो आइस क्यूब की तरह हो जाता है वो हमारे इस पे नहीं बनेगा। और इसमें हम थोड़ी सी फ्रेश मलाई डाल देते हैं, ये ताज़े दूध की, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसको इस टिफिन में पलटेंगे और हम इसी में इसको जमा देंगे। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा दिख रहा है। अब हम इसको बादाम से थोड़ा सा गार्निश करके हम आपको सुबह दिखाएंगे कि ये कैसे इसका टेस्ट है, और हम आपको बताएंगे। आप ऐसा बनाइए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। और हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका दिन उत्तम हो। थैंक यू।